अस्सलाम वालेकुम। आज का ये व्लॉग मैं बनाऊंगा बाहर, लेकिन मुझे पता नहीं कि मुझे कहाँ के हम कहाँ जाएंगे। मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल किए कि हम जा रहे बाहर, तुम तैयार रहना। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएंगे मुझे बताया नहीं। मुझे बोला कि तुम वहाँ तक आ जाना पैदल, उसके बाद हम गाड़ी ला देंगे। तो अभी सबसे पहले मैं वहाँ तक जाऊँगा, उसके बाद पूछेंगे या खुद डायरेक्शन से पता चल जाएगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं। देखते हैं आगे वाले शॉट। तो हम दोनों बाहर निकल के अभी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का, उसके बाद गाड़ी आएगी, उसके बाद फिर आगे जाएंगे जहाँ तक हमें जाना है। मुझे अभी फ़िलहाल पता नहीं कि हमें कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मशवरा किया मुझे घर से उठाने का। यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं, जगह बहुत अच्छी है, ठंडी हवा बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह अभी हम रवाना हुए, हमारा सफर हुआ शुरू। गाड़ी में बहुत ज्यादा बंदे बैठे हुए, चार पीछे एक, उससे भी पीछे ये और ये रहा ड्राइवर। तो यहाँ पे हम पहुंच गए, यहाँ पे हमने आज इतनी जगह बनाई है। गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत तेज है, क्योंकि अभी तकरीबन 2 बजे का टाइम है। यहाँ पे पानी, ठंडा पानी और बहुत ठंडी हवा। यहाँ पे दरख्त के साए, हमने अपना सेटअप बनाया। अभी हम चाय बनाएंगे, सबसे पहले शायद चाय पियेंगे, उसके बाद फिर कढ़ाई वाला सीन चलेगा, क्योंकि बंदे हमारे पास है कढ़ाई बनाने वाले। उसके बाद देखते हैं आगे वाले सीन। तो हम जैसे ही रवाना हुए, मुझे पता चला कि हम जा रहे सिलियाजी की तरफ। इसकी सबसे बड़ी वजह मुझे जो पता चली, वो ड्राइवर जिसकी गाड़ी थी उसने बोला कि हम गाड़ी भी धो लेंगे, क्योंकि उस तरफ पानी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे गाड़ी भी धो लेंगे, ये काम भी हो जाएगा, बिल्कुल साफ कर लेंगे, क्लियर कट, क्योंकि वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। तो हमने कहा ठीक है, जगह भी बहुत अच्छी है, सबको जगह भी पसंद आई, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजहों में से ये वजह भी थी कि वो गाड़ी धो लेंगे। उसने गाड़ी धोई भी। तो अभी यहाँ पे गाड़ी सर्विस वाला सीन चल रहा है, उसके बाद देखते हैं आगे वाले शॉट। वहाँ पे खाना बन रहा है, उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ वहाँ घूम लेंगे, देख लेंगे। धूप ज़्यादा, इसी वजह से साय पे चलना पड़ता है, और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ का। थोड़ी भूख भी लगनी शुरू हो रही, क्योंकि पानी में चलने की वजह से बंदा थक जाता है। उसकी जगह चाहिए रोटी, वो बन रही है, और यहाँ पर कटिंग वगैरह हो रही है, खाना बनाने का सिस्टम बन रहा है। उसके बाद थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा घूमेंगे, गाड़ी भी साफ कर रहे बंदे और तारा भाई वीडियो। उसके बाद देखते हैं आगे वाला सीन। अभी हम इस तरफ जाएंगे, वो बादाम के छोटे छोटे दाने निकले हुए अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे इस तरफ पूरा पानी वाला सीन, और इस तरफ पूरा बाग वाला सीन। बाग के अंदर भी चश्मा निकला हुआ है, जो कि उस पानी के साथ मिलता है फिर आगे जाके। और यहाँ पे बादाम के बाग भी है, जिसके छोटे छोटे अभी दाने निकले, ज्यादा बड़े नहीं हुए। अभी वो देखने जाएंगे कि कितने बड़े। ये रहा बादाम का दरख्त, अभी सिर्फ इसके फूल बने, ये मैंने खुद पहले नहीं देखे थे। इस तरह फूल बनते, उसके बाद फिर उस पर बादाम आता है छोटा, उस पर फिर कवर होता है ये ग्रीन कलर वाला, वो कवर फिर खुश्क होकर गिर जाता है, फिर प्योर
बादाम बन जाते हैं। ये मैंने पहले खुद भी नहीं देखा था, आज पहली बार देख रहा हूँ। वो कवर वाला बादाम मैंने देखा है, वो थोड़ी टाइम बाद आएगा, ईद के बाद बनेगा इंशाअल्लाह। तो गाड़ी धोते हुए करनी है, और करना ये होता है कि गाड़ी को फुल पानी में नहीं खड़ी करनी होती है, क्योंकि उसमें फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता मट्टी ले जाते हुए पानी वहाँ गाड़ी वहाँ पे फंस जाती है। और हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, हमने गाड़ी साइड पे खड़ी करके दूर से पानी को उसकी तरफ फेंका ताकि गाड़ी फंस ना जाए, क्योंकि हमें पता था कि ऐसा होता है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ की मट्टी बहुत आम। लेकिन हमने साइड पर खड़ी करके फिर भी गाड़ी फंस गई। फंसने के बाद हम बाहर निकाल नहीं सकते, तो हमने लिफ्ट मांगा गाड़ी वाले से, लेकिन गाड़ी वाली आई, दूसरी गाड़ी आई, उसके पास फिर रस्सी नहीं थी और हमारे पास भी नहीं थी, क्योंकि हमें नहीं पता कि गाड़ी फंस जाएगी। तो फिर एक रस्सी दो रस्सी टूट गई, एक टूट गई दूसरी टूट गई, सब लगे हुए थे गाड़ी निकालने में। एक तो बंदे हमारे पास इतने ज़्यादा थे, उसके ऊपर उसके हिसाब से बंदों के हिसाब से मशवरे भी ज़्यादा थे। कोई कहते थे कि यहाँ से इस तरफ से उठाओ, कोई बोल रहे थे बनट से उठाओ, कोई बोल रहे थे नीचे से मट्टी डालो, कोई बोल रहे थे पत्थर दे दो, कोई बोल रहे थे लिफ्ट मांगो ही ना, धक्का दे दो, पता नहीं क्या क्या सब ट्राई किया सब ने, गाड़ी निकली नहीं। हमने भी छोड़ दिया, हमने कहा छोड़ यार कौन निकाले, फिर जाते हुए निकाल लेंगे, क्योंकि हमें भूख, मुझे खुद भूख भी ज़्यादा लगी थी, और दूसरी बात ये थी कि बोर हो गए थे यार, सारे लोग सिर्फ एक गाड़ी की तरफ मुतवज्जो और कोई काम सब कुछ छोड़ दिया। तो हमने फुटबॉल खेलना शुरू किया, लेकिन एक बंदा फिर भी लगा हुआ था, हज़ार बंदा होता है ना एक, सब में हमारे पास भी था एक, वो लगा हुआ था सबको छोड़ के, पता नहीं हम फुटबॉल खेल रहे थे, उसने अकेले अकेले पता नहीं कैसे निकाल दी, क्या करके गाड़ी निकल गई। तो गाड़ी निकालने के बाद हमने सबसे पहले वो किया जिसका हमने 3 घंटे इंतज़ार किया, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और अभी खाना वाना तैयार हुआ, अभी सबसे पहले खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा भूख लगी क्योंकि गाड़ी पसी हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा निकालने में। उसके बाद फिर खाना खाने के बाद फिर देखते हैं आगे वाले, गाड़ी निकल गई अभी साइड पे खड़ी है, उसके बाद थोड़ा खेलेंगे, क्योंकि उसके बाद कोई मसला नहीं है। तो जैसे ही खाना खाया आंखें खुल गई, सब कुछ दिखना शुरू हो गया, जैसे ही दिखना शुरू हो गया अंधेरा आ गया, सूरज गायब, अंधेरा आ गया, और हमें जाने का प्लान बना। तब तक चाय बनी थी, चाय बन गई थी, चाय हमने पी ली, उसके बाद फिर सीन ख़त्म, क्योंकि लाइट का कोई सिस्टम नहीं बना था हमने, क्योंकि मगरिब तक आने का वैसे भी इरादा था, लेकिन ज़्यादा टाइम हमारा गुजरा गाड़ी निकालने में, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम गाड़ी धोने में भी गुजरा, लेकिन उसका बोझ नहीं बना, क्योंकि वो प्लान का हिस्सा था, लेकिन गाड़ी फंसना और उसको निकालना प्लान का हिस्सा नहीं था, इसकी वजह से उससे हम बोर हो गए। तो भूख ख़त्म होने के बाद हमें थकावट का अंदाज़ा हुआ, अब अंधेरा भी हो चुका था, इसी वजह से हम घर की तरफ हुए रवाना, और कहानी ख़त्म। तो यहाँ तक हमारी वीडियो हुई ख़त्म, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं आगे वाले व्लॉग में।